हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2022 में नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए दिया गया था, जिसमें 3 साइंटिस्ट शामिल थे और उस खोज में जो काम किया था वो काम था टेलीपोर्टेशन का, क्योंकि वो जो खोज थी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे 0 सेकंड के अंदर। तो वो खोज इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया को वो बदल देगी, इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो 2023 का भी नोबेल प्राइज अनाउंस कर दिया गया है और हम ये जानेंगे कि आखिर इन्होंने क्या खोजें की हैं जो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हिंट क्या है कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया होती है, जो क्वांटम दुनिया होती है, उन्हें हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। कोई लाइट वहाँ से टकरा के आती नहीं है, वो इतने छोटे होते हैं कि उनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना ही मुश्किल है। सब कुछ थ्योराइज्ड है, मतलब थ्योराइज्ड है। उनसे जो क्या होता है कि उनके जो रिजल्ट हमें दिखते हैं वो हम समझते हैं, लेकिन उनको रियल में हम जानते नहीं हैं। जैसे कि हम बात करें करंट की, तो हमें ये पता है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से पैदा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम नहीं जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लाइट गिरने से लाइट पैदा होता है, जो आप लाइट देख रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को हम नहीं जानते हैं। तो मीन पूरी दुनिया में जो आधा काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी के बारे में हम नहीं जानते थे और वही खोज इन्होंने की है। क्या किया है कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे देख पाएंगे ऑब्जर्व कर पाएंगे तो इससे क्या होगा? भैया इससे ये होगा कि सबसे बड़ी चीज़ कि ये कैसे वर्क करते हैं उसको हम समझेंगे। दूसरा कि विज्ञान की दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, हाइपर डायमेंशन की। अभी तक वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर किस वजह से जो क्वार्क होते हैं ये गायब हो जाते हैं, फिर अचानक से आ जाते हैं, किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं, ग्रेविटॉन कैसे काम करते हैं, हमें ये पता ही नहीं था। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया है, हमें एक बनी बनाई मशीन बना के दे दी कि लो भैया हमने आपको मशीन बना के दे दिया, अब जाके आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को देख लो, न्यूक्लियस को देख लो, प्रोटॉन को देख लो, इन सबको आप देख लो, बढ़िया से देख के समझ लो, काम कर लो। मीन इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक दुनिया के अंदर जाके हम झांक सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम रोक सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम स्टैटिक मतलब उसको रोक के उसको हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किसको नोबेल प्राइज दिया गया? ठीक है, जो नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों, इसमें कौन है, पेयरे हैं एगोस्टिनी, और दूसरे कौन है, फ्रेंच क्राउज, एंड तीसरे कौन है, एल ह्यूलर। इनका चेहरा देख लीजिए, हालांकि इन्होंने पेंट से बना दिया है तो थोड़ा समझ, फिर भी आप इनको देख लीजिए क्योंकि भाई इन्होंने काम ऐसा किया है। अब इन्हें आपने देखा, ठीक है, अब हम चलते हैं कि आखिर इन्होंने खोज क्या किया है उसको हम समझेंगे और कैसे किया है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप हर कोई एग्जाम की तैयारी करता है या कोई काम करता है, 4-5 साल आपके निकल जाते हैं किस में, सिर्फ पढ़ने में, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि आपका आखिर आपका एग्जाम क्यों नहीं निकला। रिसर्चर ने यह पाया है, 100 साल की रिसर्च में ये पता चला कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है तब उसकी इफिशेंसी 500% बढ़ जाती है, यानी कि 5 गुना बढ़ जाती है। और यही कोर्स दोस्तों हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि खाली कमरा है, खाली कमरे के अंदर एक फुटबॉल रखा हुआ है, एक छोटा बॉल रखा हुआ है, बैट रखा है, किताबें रखी हैं, टेबल रखा है, सब कुछ है। मम्मी ने बोला अपने बेटे को लाइट लेके, बेटा तुम एक काम करो लाइट लेके जाओ, कमरे के अंदर जाना और मुझे फुटबॉल खोज के दिखाओ। बेटा गया, लाइट जूम से जलाया, फुटबॉल दिख गया। बेटे ने कहा मम्मी फुटबॉल मुझे इस वाले कोने में मिला। मम्मी ने कहा बेटा वहां पे इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन ढूंढ के दिखाओ। अब बेटा लाइट जला रहे, इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, कई जन्म बीत गए फिर भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी छोटी थी, जो लाइट थी इलेक्ट्रॉन से टकराती थी, जब वापस आती थी तो इलेक्ट्रॉन किस जगह पे होगा हमें नहीं पता। हम ढूंढने जाएंगे, अच्छा यार यहां से टकरा गया आया है तो यहां होगा, लेकिन जाएंगे हमें नहीं पता। जैसे कि कमरे के अंदर क्या है, फुटबॉल, आपने एक बॉल मारा, मान लीजिए कि छोटा सा बॉल मारा, छोटा सा बॉल लाइट की तरह है, फुटबॉल से जाके टकरा के वापस आता है तो आप बता देते हैं कि अच्छा मतलब यहां पे होगा। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि एक ऐसी चीज है, ठीक है, बहुत तेजी से घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है, अब वहां पे आप कोई बॉल मारेंगे उसे टकराएगी? नहीं टकराएगी, बहुत कम चांस है उसे जाके टकराएगी, और जब टकराएगी भी तो कहीं भी रिफ्लेक्ट हो जाए, कहीं और जगह पे चली जाएगी। अगर आपके पास भी आएगी आप सोचेंगे वो बॉल वहां पे होगी, लेकिन वो बॉल कहीं और पे होगी, क्योंकि कहीं और पे वो घूम रही होगी। यहां पे हम एग्जांपल समझेंगे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है,
आपने क्या किया, यहां पे लाइट भेजा। जब लाइट आपने भेजा, ये टकराएगी। पहली बात तो जैसे ही से टकराएगी, ये क्या करेगा, लाइट इसको इमिट करके फिर दूसरा लाइट यहां से भेजेगा, या आपको मान लीजिए फिर वापस इसने भेज दिया, आपको मिल भी गई लाइट। लेकिन आप सोचेंगे कि यार लाइट यहां से टकरा के आई है तो एटम के इस जगह पे ये लाइट होगी, ये इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब आप मापने जाएंगे तो पता चला ये कहीं और है, ये यहां है, ये यहां है, यहां है, यहां है, ये कहीं और है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप नहीं बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस समय कहां होगा। तो यही एक समस्या थी, मतलब हम हर किसी चीज को देख पाते थे पर इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख सकते थे, इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। तो अब वैज्ञानिक क्या करें, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार इस जो लाइट है ना, ये जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, इसमें क्या है कि एनर्जी बहुत बड़ी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब जाती है टकराती है तो ये क्या होता है, जब टकराती है तो ये क्या होता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास क्या हो, एक देखिए यहाँ पे दो बॉल हो, छोटा सा बॉल हो, ये बॉल हो, ये जब बॉल से टकरा के जाएगी वापस आएगी तो ये बॉल कहीं पे और चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा हो कि अगर ये जो बॉल जो आप भेज रहे हैं ये क्या एकदम छोटा सा हो, किन्नी सा हो, एकदम किन्नी सा हो, अब जब ये बॉल छोटा सा बॉल यहाँ पे जाएगा टकराएगा, बात समझिए, अब वापस आएगा तो ये हिलेगा क्या, ये नहीं हिलेगा, क्योंकि भैया इसका मास ज्यादा है, ये ज्यादा भारी है, ये अपने जगह पे मस्त है, ठीक है। तो क्या होगा, आप ये बता पाएंगे, अच्छा ये यहाँ पे है, मीन कि हमें एक ऐसी लाइट चाहिए थी, एक ऐसा लाइट चाहिए था बहुत छोटा हो, उसके जो इम्पल्स हो वो बहुत छोटे हों। अब वैज्ञानिक क्या करें, वैज्ञानिक को चाहिए था कि हम क्या करें, ऐसे छोटा इंपल्स पैदा करें, तो उन्होंने किसको चुना, लेजर को चुना। भाई लेजर से ही आप लाइट पैदा करते हो, तो लेजर से ही आप क्या करोगे, छोटे लाइट को पैदा करोगे। तो इन्होंने क्या किया, एक लेजर को लिया, यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, लेजर कहां गया, हाँ ये देखिए ये लेजर है। अब यहां पे क्या होता है, जो लेजर ये निकलता है, मान लीजिए लगातार लाइट निकाल रहा है, अब मैं क्या करूं यहां पे बीच में एक क्या करूं, एक ऐसे पेन लगा दूंगा करता रहूं, तब क्या होगा, जब इसको ये ढकेगा तो पहले थोड़ी सी लाइट जाएगी, फिर लाइट ऐसे फिर गैप आएगा, फिर गैप आएगा, फिर गैप आएगा, फिर गैप आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। आप देखिए यहां पे ये क्या है, इंपल्स है, जैसे हार्ट रेट का इंपल्स होता है वैसे ही आप देखेंगे यहां पे इंपल्स है। मतलब हम क्या करेंगे, लेजर को निकालेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, इंपल्स के रूप में निकालेंगे, किसमें, इंपल्स के रूप में निकालेंगे, क्योंकि ये क्या, हम क्या कर रहे हैं, इस लेजर को हम काट रहे हैं, हम बार बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। तो वैज्ञानिक चाह रहे थे कि हम जो इंपल्स निकालें वो बहुत छोटा हो, मतलब बहुत छोटा हो, मतलब बड़ा ना, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, भाई बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो हमें छोटा इंपल्स चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया यहां पे, ठीक है, ऑक्टेन फिजिक्स का सहारा लिया, ठीक है, ऑक्टो सेकेंड फिजिक्स का सहारा लिया। ये क्या है, ये है कि वैज्ञानिक चाह रहे थे कि हम जो लेजर निकाले वो क्या हो, एक सेकेंड के 18वें हिस्से के 10^18 हिस्से के बराबर हो, मतलब इतना वो छोटा हो, मतलब इतने कम टाइम के अंदर क्या हो वो हमें लेजर मिले। मतलब क्या है कि आप समझिए कि हम यहाँ पे ऑस्किलेट करा रहे हैं, ठीक है, और ऑस्किलेशन क्या हो रहा है, 10^80, मतलब एक सेकेंड में क्या होता है, मान लीजिए एक सेकेंड टाइम है, ठीक है, तो ये इसका 10^18 हिस्सा, समझ रहे हैं कि जैसे एक सेकेंड है यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो एक सेकेंड का दूसरा हिस्सा क्या होता है, 0.5 सेकेंड, इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा, 0.33 सेकेंड। तो आप समझिए कि अगर 10 एक सेकेंड का 10^18 हिस्सा जो होगा वो कितना छोटा होगा, वो इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। ये सेकेंड इतना है, जैसे एक यूनिवर्स का जो टाइम है 13 बिलियन साल, तो उसका जो एक सेकेंड होता है, ठीक है, वैसे ही जो एक सेकेंड हमारा है उसका जो 10^18 सेकेंड है, ठीक है, वो क्या है हमारा, ऑक्टेन फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा, इस टाइम के अंदर क्या होगा कि हमें इतने कम अंतराल के अंदर जब हम लाइट को निकालेंगे, मतलब इतने कम टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, आप समझिए कि हर एक 10^18 सेकंड में ये यहाँ पे क्या कर लाइट को रोक रहा है, तो जो लाइट निकल के बार बार आ रही है वो बहुत छोटी निकल के आ रही है, बहुत छोटी लाइट निकल के आ रही है, ठीक है। अब इस छोटी लाइट से होने से क्या फायदा है, ये छोटी लाइट इतनी ज़्यादा छोटी है कि जब इसको इलेक्ट्रॉन पे, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, जब ये इंपल्स इसमें भेजा जाएगा, जब ये इसमें भेजा जाएगा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से तोड़ के निचोड़ के रख देता है। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये छोटा सा बॉल है, ये किन्नी सा बॉल है, ये तेजी से जाएगा सन से, तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। जैसे एक तीर होता है, आप क्या करते हैं, मारते हैं तो फुटबॉल को क्या छेद कर देता है, वैसे ये जो छोटा सा इंपल्स है, क्योंकि इंपल्स बहुत छोटा है, बहुत इसी साइज छोटी है, तो ये क्या करेगा, जाएगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तोड़ के रख देगा। इसी किन्नी से बॉल से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर सकते हैं, और इन्हीं इंपल्स से क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर रोक सकते हैं। जब ये रोक सकते हैं तो क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन को ये समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसके बिहेवियर को समझ पाएंगे, ये भी समझ पाएंगे आखिर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जब उस पर लाइट गिरती है तो ये लाइट क्यों निकालता है अपने अंदर से, ये तो हम जानते हैं भाई एनर्जी लेता है तो एनर्जी निकाल देता है, लेकिन क्यों निकालता है ये भी हमें नहीं पता, तो इसको समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रोक के समझना शुरू कर दिया तो इसका जो यूज है हम नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में देख पाएंगे। अभी बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको हम नहीं समझते हैं उसको हम समझ पाएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने बताई थी हाइपर डायमेंशंस के बारे में, आपने देखा होगा कि जो क्वांटम की दुनिया है, अभी भी जो क्वार्क होते हैं दोस्तों वो ऐसे काम करते हैं, वो अचानक से गायब हो जाते हैं, किसी और जगह पे मिलते हैं, ग्रेविटॉन को हम नहीं देख पाते हैं, ग्रेविटॉन कैसे काम करता है इसको हम नहीं समझ सकते। तो ये जो टूल है हमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके समझने में मदद करेगा, जिसकी वजह से हम कल को क्वार्क को इन सबको समझ पाएंगे। अभी तक जो बहुत बड़े बड़े लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में रिसर्च होते थे उसका भी यूज बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा, इन पल्स के द्वारा हम क्या करेंगे, उन क्वार्क्स को, उन इलेक्ट्रॉन को हम रोक पाएंगे, उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। यानी कि ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बेहतर हथियार है, एक ऐसा औजार है जिसकी वजह से ये अपने एटॉमिक दुनिया के अंदर जाके घुस के देख पाएंगे। और यहाँ तक कि जो हाइपर डायमेंशन है, जो मतलब हाइपर डायमेंशन मतलब दोस्तों कि जैसे हम तीन दुनिया में रहते हैं, लाइट है, मतलब हाइट है, वेट है और लेंथ है, वैसे ही टाइम भी होता, चार डायमेंशन हो गया। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जो पार्टिकल होते हैं वो हाइपर डायमेंशन में काम करते हैं, मतलब 11 डायमेंशन 12 डायमेंशन में काम करते हैं, तो उनको भी हम इन्हीं टूल की वजह से देख पाएंगे जो छोटे इंपल्स हैं। तो मीन कि इन्होंने ऐसा इंपल्स पैदा किया, एक ऐसा लेजर बनाया जो दुनिया में सबसे कम टाइम के अंदर सबसे छोटा इंपल्स पैदा कर सकता है, और उन्हीं इंपल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को समझ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रोक पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। तो इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने इतना आपको बताया, बहुत मेहनत मैंने किया था इसको समझने में, तो मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो रिसर्च है सच में पूरी दुनिया को बदलेगी, क्या सच में इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, और अगर आएगा तो कैसे आएगा, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। और जैसा कि मैंने बताया फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आप कई साल लगाते हैं, कई लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, एक बार आप फ्लो के कोर्स को आजमा के जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।